नमस्कार, मैं अंजलि पालीवाल, आप सबका स्वागत है लाइव न्यूज दिल्ली में। देखते रहिए लाइव न्यूज दिल्ली। चलिए अब रुख करते हैं आज की सुपर फास्ट खबरों की ओर। केरल के वायनाड जिले में भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन से मची भयंकर तबाही को लेकर पीएम मोदी खुद बचाव कार्यों पर रख रहे हैं नजर। वही राहुल गांधी और जेपी नड्डा ने सभी कार्यकर्ताओं से की है मदद की अपील। ओल्ड राजेंद्र नगर में हुई घटना को लेकर आप नेताओं ने सांसद के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। आप नेताओं ने एलजी को बर्खास्त करने की करी मांग। राजधानी दिल्ली में हेपेटाइटिस ए के मामलों में बढ़ती तेजी से एम्स अस्पताल ने जारी की चेतावनी। बीते कुछ सप्ताह से राजधानी दिल्ली में इसके कई मामले आए सामने। राजेंद्र नगर में हुए हादसे का जायजा लेने पहुंचे दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर जमकर भड़के छात्र। उपराज्यपाल के समक्ष रखी अपनी कई मांगे। दिल्ली में चल रहे फैशन शो इंडिया को वाउचर वीक के छठे दिन खुशी कपूर ने बॉयफ्रेंड वेदांग रैना के साथ किया रैंप वॉक। डिजाइनर गौरव गुप्ता के ऑफ वाइट लहंगे में खुशी कपूर ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान अपनी आंखों के इलाज के लिए जल्द ही जाएंगे अमेरिका। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई में इलाज में आ रही दिक्कतों के चलते किंग खान ने लिया ये फैसला। चलिए ब्रो करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में बेसमेंट में चल रहे सेल्फ स्टडी सेंटर में डूबने से दो छात्रा एवं एक छात्र की मौत की घटना के तीसरे दिन दिल्ली नगर निगम ने मुखर्जी नगर में बड़ी कार्रवाई की है। राजधानी की बड़ी आईएएस कोचिंग एकेडमी में शामिल दृष्टि आईएएस के नेहरू विहार स्थित बड़े सेंटर को निगम की टीम ने सोमवार दोपहर को सील कर दिया है। ये कोचिंग सेंटर वर्धमान मॉल के बेसमेंट में चल रहा था। इस बेसमेंट में 7 से 8 बड़े हॉल में कोचिंग क्लास लगती थी और एक हॉल में 250 से 300 छात्र छात्रा कोचिंग लेते थे। निगम की इस कार्रवाई को मुखर्जी नगर में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। वही निगम की अचानक हुई इस कार्रवाई के चलते कोचिंग सेंटर संचालक व बच्चे अपना सामान भी नहीं निकाल पाए। दिल्ली नगर निगम की सिविल लाइन जोन की टीम दल बल के साथ सोमवार सुबह 10:30 बजे मुखर्जी नगर के नेहरू विहार पहुंची और यहां वर्धमान मॉल के बेसमेंट में चल रहे दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर को सील करने की कार्रवाई शुरू की। घंटे भर की कार्रवाई के बाद कोचिंग सेंटर के सभी एग्जिट गेट सील कर दिए गए। साथ ही कोचिंग सेंटर के 4-5 मुख्य गेट के अलावा अन्य दरवाजों को भी सील किया गया है। दिल्ली में डमी स्कूली शिक्षा दे रहे स्कूलों के खिलाफ शिक्षा निदेशालय ने अपनाया सख्त रवैया। डमी स्कूली शिक्षा को लेकर इन स्कूलों पर शिक्षा निदेशालय लेगा एक्शन। दिल्ली कोचिंग सेंटर मामले को लेकर 5 और आरोपी हुए गिरफ्तार। अदालत ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और गिरती सेहत के विरोध में इंडिया गठबंधन ने जंतर मंतर पर किया विरोध प्रदर्शन। आईएमडी ने राजधानी दिल्ली में अगले 3 दिनों तक तेज बारिश का जताया अनुमान। बारिश के बाद दिल्ली के लोगों को उमस से मिल सकती है राहत। शराब नीति मामले में हाईकोर्ट में जमानत के विरोध पर बोले सीएम केजरीवाल। दलील देते हुए सीएम ने कहा कि पूर्व एलजी और अफसरों को भी इस मामले में आरोपी बनाया जाए। गुरुग्राम के डीएलएफ साइबर सिटी में सीबीआई ने फर्जी कॉल सेंटर का किया पर्दाफाश। कॉल सेंटर से अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के लोगों के साथ सॉफ्टवेयर टेक स्पोर्ट के नाम की जा रही थी ठगी। चलिए अब रुक करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। मेरठ में अलग अलग दो स्थानों पर कावड़ यात्रा खंडित होने पर कावड़ियों ने जमकर हंगामा किया और हाईवे पर जाम लगा दिया। घंटों हंगामे के बाद पुलिस अधिकारियों ने कावड़ियों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया और कावड़ियों को फिर से कावड़ लाने के लिए हरिद्वार भेजा। साथ ही साथ पल्लवपुरम थाना क्षेत्र के मोदीपुरम में NH 58 पर 8-2Z कॉलोनी के सामने से सोमवार को हरिद्वार से गंगाजल को लेकर कांवड़िए दिल्ली की ओर जा रहे थे। वहां पर थोड़ी ही देर में कांवड़ियों ने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ लोगों पर कांवड़ यात्रा खंडित करने का आरोप लगाया। गुस्साए कांवड़ियों ने रास्ते में बैरिकेड्स और लोहे की सीढ़ी रखकर जाम लगा दिया है। इससे हाईवे पर जाम लग गया और पल्लवपुरम थाना प्रभारी मुन्नेर सिंह मौके पर पहुंचे और कांवड़ियों को समझाने का प्रयास करने लगे। घंटों चले हंगामे के बाद कांवड़ियों ने जाम खोल दिया और कांवड़ियों को फिर से गंगा जल लाने के लिए हरिद्वार के लिए रवाना किया गया। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए लाइव न्यूज दिल्ली। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले। लाइव न्यूज दिल्ली।